किसानों के लिए बहुत लाभदायक योजनाएं लागू कर रही है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी प्रयास है। ओके बैठे अब दोबारा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। पिछला 5 साल बोल रहे सरकारी नीति थी तो पिछले 5 साल में इतने किसानों ने सुसाइड किया तो क्यों किया, क्यों नहीं चक्कर उठाए? फिर आप लोग नहीं से तो सही इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि आज दिवाली से लेकर अब तक पर्यावरण में इतनी भारी भरकम और बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए सरकार या पर्यावरण मंत्रालय क्या कदम उठा रहे हैं? क्या उनको ये नजर नहीं आता है कि आज हमारे छोटे बच्चे सांस लेने में कितनी दिक्कत महसूस करते हैं? हमारे बुजुर्ग जिनको सांस की प्रॉब्लम है आज वो कितना परेशान हो रहे हैं, तो क्या सरकार में ये दायित्व नहीं बनता है कि हमारे आम नागरिकों के लिए ऐसी सुविधा मुहैया कराएं जिनसे उनको सांस लेने में या सांस की बीमारी और अन्य बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका मैं उल्लेख नहीं कर सकता, वो परेशान है, तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? यस ओके आप पर्यावरण मंत्री मोदी साहब को बना दे मोदी जी मोदी साहब को क्वेश्चन है प्रधानमंत्री से पूछे बात पूछ सकते हैं जरा पूछ कर प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये वातावरण दूषित हो रहा है, बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, और आप देखें कि बुजुर्ग और बच्चे को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, क्या कदम उठा रही है? प्रधानमंत्री आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि विपक्ष के माध्यम से पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, देखिए सरकार पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। दिन प्रतिदिन वृक्षारोपण पर के महत्व पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पेड़ों की तादाद बढ़ाई जा रही है, पौधारोपण किए जा रहे हैं समय समय पर, लेकिन ये एक सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सभी का एक सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है, और उस सामूहिक उत्तरदायित्व में ना तो हम अकेले किसान को दोषी ठहरा सकते हैं, हम कहीं ना कहीं हम सभी उस पर्यावरण प्रदूषण के लिए किसी न किसी स्तर पर हम सभी जिम्मेदार हैं। दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है और भी बहुत से कारण हैं, फैक्ट्रियों का धुआं, तो हम सभी को मिलकर इन चीजों पर अंकुश लगाना पड़ेगा यदि हम अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं आपके लिए प्रश्न और करना चाहता हूँ, क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है? क्या मोदी साहब ये नहीं चाहते कि जब हम कंपनियों को बकायदा लाइसेंस देते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होती है कि वो कितना पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन इस वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, क्या उनके प्रति कदम नहीं उठा सकते? हमारा दायित्व बनता है, ये बात बिल्कुल सही है मोदी साहब की, लेकिन क्या इनका ये दायित्व नहीं बनता है कि सरकार उन कंपनीज को बैन करे जो प्लास्टिक और इस तरह के सीओ क्रूस वगैरह जितनी मात्रा में हमारे वातावरण के अंदर छोड़ रहे हैं, तो क्या वो दायित्व नहीं बनता है मोदी साहब? देखिए विपक्ष के माध्यम से जो भी सकारात्मक सुझाव आएंगे सरकार उनके ऊपर सख्त कदम उठाएगी और भविष्य में इस तरह की कोई भी परेशानी आम लोगों के सामने नहीं आएगी। सभापति महोदय, मैं आपके एक प्रश्न और करना चाहूंगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई बैन नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितने भी छोटे, हाँ जैसा मैडम बताया जमींदार हैं, इनके अलावा जितने भी छोटे उद्योगकर्मी हैं उनके ऊपर बैन किया जा रहा है कि आप प्लास्टिक यूज ना करें, आप प्लास्टिक ना बनाएं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना सारा का सारा माल इन पैकेटों में भर भर के मार्केट के अंदर उतार रही हैं, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं?
बिल्कुल ये एक चीज हो रही है, जब सरकार जो भी सत्ता पक्ष में बैठा है ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, ये आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो ये उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। हम इन सभी के प्रति सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी।